नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और टेक इट इजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक यूएसबी ऑपरेटेड पोर्टेबल और मिनी फैन, जो कि ये वाला है। इसका ब्रांड देखिए दोस्तों, बॉक्स के ऊपर तो कुछ नहीं है। पहले बॉक्स को ओपन करते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, और जो मेन प्रोडक्ट है, जो मेन इसका जो पोर्टेबल फैन है उसका क्वालिटी कैसा है वो भी चेक करते हैं। तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं। दोस्तों ये रहा बॉक्स, अमेजन की तरफ से आया हुआ है, पर ये बॉक्स थोड़ा सा डैमेज हुआ है। तो उसके पीछे एक स्टिकर है जहाँ पे 1599 इसका प्राइस लिखा हुआ है, और बॉक्स में आप कहीं पे भी कोई भी ब्रांडिंग नहीं देख पाएंगे। इसमें मुझे जो बिल मिला है ये 699 रुपीस का बिल है। अभी मेन प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। एक प्लास्टिक रैप के साथ आया है और एक साथ में छोटा सा मैनुअल है, दो ही पेज का है। मेरा जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालते हैं। ये बहुत ही छोटा ब्लैक कलर का ये आइटम है, और इसका जो ब्लेड है उसका कलर ब्लू है। और इसके साथ आप जैसे कि आपको बताया ये यूएसबी पावर्ड फैन है, तो इसमें जो ये कॉर्ड दिया गया है ये लगभग 1 मीटर लंबाई का एक कॉर्ड है। इसके जरिए आप किसी भी लैपटॉप में, कंप्यूटर पे, चार्जर के साथ या तो पावर बैंक के साथ आप इस फैन को यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये एक पावर बैंक है रेडमी का। दोस्तों ये 10,000 mAh का पावर बैंक है, और इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो देखना है तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों सबसे पहले इस फैन की बिल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इसका बिल्ड प्लास्टिक का है, इसका क्वालिटी उतना स्टडी नहीं लग रहा है। इसके नीचे देखिए चार जो पॉइंट दिया गया है उसमें रबर का बूश है। टेबल के ऊपर इसका ग्रिप काफी अच्छा होने वाला है। आप देख सकते हैं स्टैंड के ऊपर ऐसे 360 डिग्री रोटेट होता है हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकली रोटेट भी होता है 360 डिग्री। अनलिमिटेड आप रोटेट कर सकते हैं, तो इसके कारण आप इस फैन को किसी भी एंगल पे, किसी भी डिरेक्शन पे आप इसको मोड़ सकते हैं। फैन के ग्रिल के सेंटर जो है उसमें आप देख सकते हैं गाइया टू लिखा हुआ है, पर बॉक्स में जैसे कि हम देखे ही थे बॉक्स में कोई ब्रांडिंग नहीं था। पीछे दोस्तों आप देख सकते हैं बटन दिया गया है, इससे ही आप ये फैन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको ऑन करके देखते हैं। ये जो बटन है, फर्स्ट में प्रेस किया, ये हवा का स्पीड ज्यादा नहीं है अभी, सेकेंड स्पीड, और ये अभी ये थर्ड स्पीड में मैंने दे दिया। हवा दोस्तों उतना अच्छा है नहीं, ठीक ठाक है। आप नज़दीक रख के देख रहे हैं तो ठीक है, आप अगर मान लीजिए टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं, डेस्क में या टेबल पे आप सामने ही रखते हैं तो ये ठीक ठाक काम कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर थोड़ा सा दूर आप लेके जाते हैं तो इसका हवा उतना तेज नहीं है कि आपको हवा का फीलिंग दे। हालांकि दोस्तों इसका नॉइस भी काफ़ी कम है, आप बिल्कुल इसका नॉइस सुन नहीं पाएंगे, बहुत ही साइलेंट फैन है, उस हिसाब से ये सही है। तो अभी दोस्तों फैन को बंद कर देते हैं, ये बंद हो चुका है। तो दोस्तों आपने ये प्रोडक्ट देखा, ये बहुत ही छोटा एक टाइनी एक यूएसबी ऑपरेटेड फैन है। इसका ब्लेड जो है, ये जो ये बाहर का आउटर जो सर्कल है इससे काफी छोटा है। इसके प्रोस की अगर बात करें तो इसका साइज काफी छोटा है, लाइट वेट है, और ये यूएसबी ऑपरेटेड है, तो आप कहीं पे भी जाके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में लगा के, या आपके पावर बैंक से या कोई भी मोबाइल चार्जर से कनेक्ट करके आप इजीली इसको डेस्क में रखते हुए आप काम कर सकते हैं। ये छोटा है तो ठीक है, पर इसके अगर कॉन्स के बारे में बात करेंगे तो इसका बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है इसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से, और इसका जो हवा है, हवा भी दोस्तों काफी कम है। मतलब एकदम सामने रखने से ठीक है, थोड़ा सा दूर हो गया तो इसका हवा बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कुछ चल रहा है। दोस्तों अभी आ जाते हैं मेरी फाइनल वर्डिक्ट की बारी। एक्चुअली दोस्तों अगर देखेंगे तो इसका प्राइस है 699 अमेजोन पे, इसका प्राइस थोड़ा सा इसमें फ्लैक्चुएट ऊपर नीचे हो सकता है, पर मेरे हिसाब से ये 699 में बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकते। हालांकि इसको और कम प्राइस में अगर मिल जाता है आपको, अगर मैक्सिमम 500 तक अगर मिलता है तो फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। तो और क्योंकि इसमें कोई ना बैटरी है ना कुछ है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो 699 में आपको बैटरी ऑपरेटेड भी बहुत सारे फैंस मिल जाएंगे जो रिचार्जेबल है और आप कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल मैं रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगने से प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही ढेर सारा वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ तो उसका भी प्रॉपर टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।